this is a summary. You all read this and you will understand it. Okay. We will deal Bleak House in the next class. So, good evening, students. I am Kakesha, faculty of SK and Target. Today we are going to study The Old Curiosity Shop. This is one of the best novels of Charles Dickens, and it was published with short stories. Short story ke saath hi isko jo hai publish kiya gaya tha. It started probably a serials wise mein publish hua tha 1841 mein, aur 1841 tak jo hai ye publish hote raha tha, matlab jo hai serials mein aate raha tha. Theek hai, ye actual mein story hai ek choti si bachchi ki jiski umar abhi 14 saal bhi nahi hui hai, uski story hai, aur uske ek grandfather ki story hai. Ye in dono ki story hai ki kis tarike se ek choti si bachchi apne grandfather ki khidmat karti hai, unki सेवा करती है, और दोनों जो है किस तरीके से अपने शॉप को चलाते हैं और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं. इस नॉवेल का जो मेन थीम है कि किस तरीके से एक फैमिली को बताया गया है, अफेक्शन को बताया गया है, और जो लव बिटवीन एक दादा और पोती के बीच में जो प्यार है, उस प्यार को जो है बताया गया है. नाउ वी कम टू द स्टोरी. इस स्टोरी का जो मेन प्रोटोगोनिस्ट है दैट इज नल टर्नर. ये 14 साल की एक लड़की है जो कि ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में रहती है अपने दादाजी के साथ. ठीक है, किट जो है एक नौकर है नेल टर्नेट का, जो कि उसके दादाजी ने शॉप पे कुछ कुछ काम करने के लिए रखा था. इसमें जो मेन विलन जिसको बोल सकते हैं दैट इज डैनियल. डैनियल जो है वो मेन विलन है इसका. ये एक गैम्बलर होता है. दूसरा मिस्टर डैनियल का एक जो है लॉयर होता है, डैट इज़ उसका नाम मिस्टर ब्रास होता है. उसके बाद ये जो है मिस्टर मार्चियोनिस, ये एक्चुअल में निक नेम है. ठीक है, निक नेम है किसका, सर्वेंट का. डैनियल की एक मेड सर्वेंट है, उसका निक नेम है मार्चियोनिस, और ये निक नेम जो है डिक ने उसे दिया था. ठीक है, अब यहाँ पे फेडरिक है, वो भी एक जो है वो क्या है नेल का भाई है. ठीक है, डिक स्वीवर है जो कि शादी करना चाहता है नेल से. मिस्टर एंड मिसेस गार्लैंड है, ये भी एक शॉपमैन है जिनके यहाँ बाद में नौकरी जाने के बाद किड काम करता है, और एक सिंगल मैन है. सो टिल नाउ द कैरेक्टर्स यू ऑल अंडरस्टैंड. अब नाउ हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को. ये स्टोरी शुरू होती है एक ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप से. ये एक ऐसी शॉप है जहाँ पे बहुत कीमती नहीं, मतलब कुछ अजीब सी चीज़ें मिलती हैं बट सस्ती मिलती है, और एक छोटी सी दुकान होती है. उस शॉप में का जो मालिक है वो ग्रैंडफादर है. उनका यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया गया, ग्रैंडफादर करके ही इस स्टोरी में उनका नाम दिया गया. ठीक है, तो उनकी एक प्यारी सी पोती होती है जिसका नाम नल होता है, सॉरी नेल होता है. ठीक है, उनके शॉप में ही एक आदमी काम करता है जिसका नाम किट होता है. तो ग्रैंडफादर के जो है सोचते हैं कि मेरी पोती जो है वो अकेली है और उसके माँ बाप मर चुके हैं. मेरे दादाजी बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक इंसान हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं. वो हर वक्त मेरे बारे में सोचते रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, और वो सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद नेल का क्या होगा, इसलिए वो मेरे लिए प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं. वो मेरे लिए पैसे इकट्ठा करके रखना चाहते हैं जो ताकि मुझे बाद में काम आए. मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पे कोई मेरे साथ खेलने वाला नहीं. मैं 14 साल से भी छोटी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता. बट अगर मैं अपने दादाजी को ये बताऊँगी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं अपने दादाजी को कुछ भी नहीं बताती. मेरे दादाजी मेरे लिए बहुत परेशान रहते हैं, मेरे लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं. फिर मेरे दादाजी की ज़िंदगी में एक इंसान आता है जिसका नाम डैनियल क्विप रहता है. एक्चुअली में ये गैम्बलर रहता है. वो मेरे दादाजी को उकसाता है कि मुझे मेरे दादाजी को जुआ खेलना चाहिए ताकि वहाँ से वो बहुत सारे पैसे मेरे लिए बना सकते. मेरे दादाजी बोलते हैं मेरे पास जुए खेलने के लिए पैसे नहीं है. तो वो बोलता है मेरे दादाजी को कि तुम मेरे से उधार ले लो, और जब तुम कमाओगे तो तुम जो है सो मुझे लौटा देना. मेरे दादाजी समझ नहीं पाते हैं उसकी इस चाल को, और उसे बहुत सारे पैसे उधार ले लेते हैं.
और धीरे धीरे जो है वो जुए में थोड़े 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 करके सारे पैसे हार जाते हैं। जब वो सारे पैसे हार जाते हैं तो डैनियल जो है वो मेरे दादाजी से बार बार पैसे मांगते रहता है, पैसे मांगते है। हमारे पास तो उस एक ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप के अलावा कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास पैसे नहीं होते तो मेरे दादाजी क्या करते हैं, उनका पैसा चुकाने के लिए जो मेरी दुकान होती है वो उसको दे देते हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। जब मेरे दादाजी जुए में सारे पैसे हार जाते हैं तो दादा की हालत ख़राब हो जाती है। वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। मुझे उनकी हालत देखी नहीं जाती तो मैं उन्हें ले करके बहुत दूर चली जाती हूँ, जहाँ हमें कोई जाने नहीं, कोई कोई पहचाने नहीं। हम इंग्लैंड के मिडलैंड में चले जाते हैं और वहाँ पे जा कर के हम भीख मांगने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी करने के लिए काम नहीं होता है। दादाजी बहुत बूढ़े हो चुके हैं और वो कुछ काम कर नहीं सकते और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम लोग वहाँ पे जा कर के भिखारी का काम करने लगते हैं। उसके बाद मेरा एक भाई है फेडरिक। अब यहाँ से फेडरिक के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फेडरिक सोचता है कि मेरे दादाजी ने ना कुछ तो नेल के लिए बचा के रखा ही होगा, प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ तो बचा के रखा ही होगा। अगर मैं ये नेल की शादी अपने दोस्त डिक स्विलर से करा दूँ तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो डिक स्विलर को मिल जाएगी और फिर उससे ये प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। मुझे ढूंढने जाना चाहिए कि आखिर वो लोग है कहाँ। तो वो ये जो फेडरिक है वो ढूंढते ढूंढते जो है आता है ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप पे। जब ये ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप पे आता है तो उसको पता चलता है कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। अब ये तीनों डिक स्विलर, फेडरिक और डैनियल क्विल, ये तीनों ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। किसको? नेल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। नेल जो मिडलैंड में जो है एक काम करती रहती है, किसका? बेगर का। फिर उसके बाद जो है डिक जो है वो वहां से भी छोड़ करके चली जाती है, टॉन्ग शॉयर में चली जाती है। ठीक है, ये टॉन्ग शिक्षायर जो है एक फिक्शनल विलेज है जिसका नाम डिकिन्स ने दिया है टॉन्ग शॉयर। फेडरिक, डिक और डैनियल क्विल, ये तीनों जो है नेल को ढूंढते रहते हैं। फिर डैनियल के दिमाग में ये आता है कि क्यों ना मैं जो हूँ डिक सेविलर को अपने यहाँ रख लूँ क्लर्क बना करके। ऐसे भी जो है मेरा क्लर्क चला गया है तो मैं उसे क्लर्क बना करके रख लेता हूँ अपने पास, तो मैं उसका जो है ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल करूँगा, पर मुझे उसको लीगली रखना होगा ताकि वो मुझे छोड़ के भागे नहीं सके। फिर वो मिस्टर ब्रास को बुलाते हैं जो कि डैनियल का लॉयर होता है। उसको बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि जो है तुम जो है मेरी मदद करो इसको फंसाने में। तो ये दोनों मिलकर के एक एग्रीमेंट बनाते हैं और जो है डिक सेविलर को जो है अपने पास रख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये इसके चाल को समझ जाता है और इसको एक काल कोठली में बंद कर दिया। ये लोग जो है डैनियल क्विल जो है ये डिक को एक काल कोठली में बंद कर देता है, वहाँ पर जो है उसकी एक और उसको एक नौकरानी के साथ बंद कर देता है। तो वो जो डिक होता है वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि उसके पास कुछ बोलने जैसा रहता नहीं है, वो अपने आप को बचा नहीं पाता। और वो लेकिन वो मिसबिहेव करने लगता है उस मेड सर्वेंट के साथ और उसको एक नाम दे देता है, मर्चोनिस का नाम दे देता है। फिर यहाँ से प्लॉट 3 शुरू होता है। ये जो यहाँ पे देखो किट जो था ये क्या करता था, काम करता था किसमें? ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में ये काम करता था। जब ये शॉप बंद हो गई, जब जब इसको खरीद लिया डैनियल क्विल ने, तो ये शॉप बंद हो जाती है। जैसे ही ये शॉप बंद हो जाती है तो ये जो किट होता है ये बेकाम हो जाता है। तो ये काम ढूंढने के लिए चला जाता है मिस्टर एंड मिसेस गार्लैंड के पास चला जाता है। मिस्टर एंड मिसेस गार्लैंड जो है एक बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं। तो ये मिस्टर और मिसेस गार्लैंड की शॉप पे काम करने लगता है। वहां पर एक वो सिंगल मैन से मिलता है, पता नहीं कौन है वो सिंगल मैन। डिकेंस ने जो है उस मतलब मिस्टी वो एक मिस्टीरियस आदमी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, उसका नाम डिकेंस ने इस नॉवेल में सिंगल मैन दिया है। और ये सिंगल मैन जो है वो ढूंढते रहता है, किसको? नेल को ढूंढते रहता है।
अब जो है ये किट को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सिंगल मैन जो है वो नेल को क्यों ढूंढ रहा है। अब मिस्टर और मिसेस गार्लैंड क्या करते हैं, मिस्टर एंड मिसेस गार्लैंड और वो सिंगल मैन और किट, ये तीनों जो है वो ढूंढने के लिए निकल जाते हैं किट को। उतने में ही जो है यहाँ पर ये जो डैनियल क्विल है इसको पता चल जाता है कि नेल कहाँ है और ये नेल को किडनैप कर लेता है और किडनैप करके नेल को जो है उसी काल कोठरी में बंद कर देता है जहाँ पर उसने डिक को बंद करके रखा था, ठीक है, अपनी नौकरानी के साथ। अब ये डिक क्या करता है, इसको समझ में आ जाता है कि मतलब सब कुछ, इसको प्लान समझ में आ जाता है, वो अपनी गलती रियलाइज़ करता है और वो सोचता है कि मैं क्या करूँगा कि मैं इसको नेल को जो है यहाँ से बचा लूँगा। ये अपनी नौकरानी के साथ प्लान बनाता है और प्लान बनाने के बाद जो है उसको यहाँ से निकाल देता है। अब ये जो है मिस्टर एंड मिसेस गार्लैंड किड और ये सिंगल मैन इसको ढूंढते ढूंढते जो है डैनियल क्विप की उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसने उसको कैद करके रखा था। पर ये यहाँ से जो है नील जो है यहाँ सॉरी हाँ नेल जो है यहाँ से निकल चुकी होती है, भाग चुकी होती है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि वो मर जाती है क्योंकि उसके साथ इतनी सारी चीज़ें होती हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं होती है और उसका मेंटल इतना टॉर्चर वो होती है कि उस टॉर्चर को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, फाइनली जो है वो मर जाती है। जब उसके ग्रैंडफादर को ये पता चलता है कि मेरी पोती मर चुकी है तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है और वो डेली जाता है उसकी कब्र पे और उसको बोलता है बेटा उठो मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए बोल, इस उम्मीद में कि जो है वो कब्र से उठ के आएगी और मेरे पास आएगी और आकर के मुझसे बात करेगी, पर वो नहीं उठती है। इस सदमे को, अपनी पोती के मरने के सदमे को जो है ग्रैंडफादर बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनको ऐसा सदमा लगता है कि उनकी जान चली जाती है। और फिर जहाँ पर किट की कब्र होती है उसी किट की कब्र के पास ग्रैंडफादर की कब्र को जो है ग्रैंडफादर की को भी दफना दिया जाता है। इस नॉवेल में नील का डेथ हो जाता है, ग्रैंडफादर का डेथ हो जाता है, डैनियल क्विल भी जो है अपनी प्रॉपर्टी के चक्कर में क्या होता है मारा जाता है और ये नॉवेल यहीं पर ख़त्म हो जाती है। Everything is clear till now. Old curiosity shop समझ में आ गई सबको? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ? कहाँ पे आवाज? एक वन मिनट। सबको समझ में आया ना? Is there any problem? Okay. Is there any problem? I will explain it. Just wait for 5 minutes. I will explain everything. Okay. यहाँ तक ये सबको क्लियर है ना? बिकॉज आई एम जो है ये वीडियो मैं बंद कर दूँ ताकि जो है सबको बाद में तुम लोग सुनो तो तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जस्ट वेट।